सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद नारायण राणे, नीतीश राणे, नीलेश राणे आए थे, बोला था आदित्य ठाकरे का उसमें हाथ है, और सीधा सीधा बाद में दीनू मौर्या का नाम आया था। तो दीनू मौर्या ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया था कि नहीं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाद में रिया चक्रवर्ती का दीनू मौर्या के घर के सामने का एक फोटो होता है, बोला जाता है दीनू मौर्या का घर है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। आपने एक थंबनेल पे फोटो भी देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत दीनू मौर्या को मिल रहा है, और आदित्य ठाकरे, दीनू मौर्या तो बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन वो काफी साल से दोस्त है। लेकिन अब बताता हूं आपको कि ये दोस्ती और ये फोटोज कहां के। महेंद्र सिंह धोनी, एक फिल्म आई थी जिसमें दिशा पटानी हीरोइन थी, दिशा पटानी का उस समय अफेयर चल रहा था आदित्य ठाकरे के साथ। कहा जाता है, ऐसा सोर्स के हिसाब से आया कि उस समय, क्योंकि मैं बॉलीवुड से हूं, शूटिंग पे कौन आता है क्या आता है, सारी खबर कहीं ना कहीं से मिल जाती है, तो उस समय आदित्य ठाकरे और सुशांत की मुलाकात हुई थी, और इस बीच में दीनू मौर्या भी थे। अब ये बात सीबीआई की तरफ से क्या आई, और ऐसा कौन सा व्हाट्सएप मैसेज सुशांत का सामने आया है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सुशांत सिंह राजपूत की खबर हो, श्रीदेवी दी और दिव्या भारती हो, या फिर बॉलीवुड की कोई भी खबर हो, या पॉलिटिकल खबर हो बड़ी, आपको इस चैनल पे सबसे पहले जरूर मिलेगी। सुशांत सिंह राजपूत का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है, और सीबीआई ने भी ये कहा है, इस बारे में क्या है वो बताऊंगा, लेकिन दीनू मौर्या का कनेक्शन आप समझ गए। दीनू मौर्या आदित्य ठाकरे के साथ है, दीनू मौर्या सुशांत के साथ है, और ये मीटिंग सबकी एमएस धोनी के वक्त हुई थी, जिसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है सीबीआई की तरफ से। और साथ ही साथ ये बताता हूं कि वो व्हाट्सएप चैट जिसमें सुशांत ने कहा था मुझे डर लग रहा है ये लोग, ये बात का खुलासा किया है श्वेता सिंह कीर्ति ने कि नहीं, व्हाट्सएप चैट पे मेरी बात हुई थी लास्ट व्हाट्सएप चैट पे 12 तारीख को, और 13 तारीख को या 12 को फोन पे बात भी हुई थी। वो कह रहा था कि नहीं, मैं यहाँ आना चाहता हूँ आपके पास, लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि उसकी बहन अमेरिका में रहती है कैलिफोर्निया में, तो उस कोरोना की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, तो उसने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन इसके बाद क्या बात की श्वेता सिंह कीर्ति ने तो नहीं बताया, या नहीं की ये भी नहीं बताया, लेकिन उनको आज गम है कि अगर वो बात करती तो सुशांत जिंदा रहते। और सीबीआई ने भी ये कहा था कि कौन सी बहनों के साथ क्या क्या बातें हुई, उस सारे के सारे व्हाट्सएप चैट है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि सुशांत से जब बात हुई थी वो डर रहे थे 8 तारीख के बाद, दिशा सालियान की मौत के बाद वो डर रहे थे, और दिशा सालियान के केस में भी आदित्य ठाकरे का नाम नारायण राणे ने लिया है। आपको क्या लगता है दीनू मौर्या के कनेक्शन के बारे में, रिया चक्रवर्ती दीनू के कनेक्शन के बारे में, रिया चक्रवर्ती आदित्य के कनेक्शन के बारे में, और सुशांत सिंह राजपूत का इस चक्कर में, दिशा पटानी, दिशा सालियान, आदित्य ठाकरे और दीनू मौर्या के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसे वीडियो के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।